हाँ बढ़िया है सर। मैंने अभी बार तो सुन लिया आपका, सिराज भाई का और आपका। उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो पार्टी अपलोड कर रही है उसके एंड पे डाटा की प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है ना। तो वो पेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंच जा रही है, उसे वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि हम भी कोरोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो है ना एक जनरल भेज दिया करो, और एक जो है जो YouTube चैनल पे अपलोड हो जाए ना उसके साथ लिख के कट पेस्ट करके भेजो, ठीक है ना। उसके तीन हिस्सा जैसे अपनी चर्चा हुई थी, पहला हिस्सा में वो पॉइंट करो जो हमने कवर किए हैं, ठीक है ना। पहले एनालिसिस मत डालो, ठीक है ना। तो लोगों का वो मेमोयर होना चाहिए, जो चीज कही है एग्जैक्टली वही आपको अपने उसमें लिखना है, ठीक है ना। फिर सेकेंड उसमें वो आप अपने हिसाब से विश्लेषण करो, और थर्ड में इनवेरिएबली कमेंट के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए लिखो, राइट। और आज आपने वो देखा होगा कि हमारा सिराज से बात हो रही है कि 3 महीने का हम एक बस लेके निकलेंगे। जी जी जी, कैसा लगा वो? बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा अभी तक का ऑडियो जो है वो बहुत इफेक्टिव है, वो आपको बहुत सही आदमी मिल गया है। हाँ हाँ, अनुभवी। हाँ हाँ, वो भी श्रद्धा भाव से बढ़ा हुआ व्यक्ति मिला है। हाँ, वो बहुत ही मजा हुआ व्यक्ति है, और सही मायने में अनुभवी है। अनुभवी है, हाँ ठीक बात है। इसका डायरेक्शन जो है, एक आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही, और मैं समझता हूँ कि और आपको शायद ही कोई ऐसा मिले अगर वो पे कर सकता है इतना टाइम आपके लिए, तो आप उसको 22 के रूप में जरूर अंगीकार करें। और बहुत कुछ आपको जो है आउटपुट दे सकते हैं वो, और उनके पास तरीका बहुत अच्छा है लोगों को मिलाने का। अब जैसे ऑनलाइन सिस्टम है, आप समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन और आम आदमी नहीं समझता कि इसको कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे धरातल पे इसको इफेक्टिव हो। पसंद सब कर रहे हैं, अब इसको अपना क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड है, ये शिवपुरी क्षेत्र है, तो इसमें लोगों को बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता, समझाना पड़ता, तब जाके तैयार होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग वो है मोटो, तो अपन को उसी हिसाब से चल रहा है। तो उनका अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो बताई है बातें, तो उसको थोड़ा आपने एक मीटिंग करके भोपाल में, और अच्छे 20 लोगों को चुन के, और ये यात्रा शुरू कर दें, तो बहुत कुछ होने लगेगा। हाँ हाँ, वो 20 लोगों के साथ करना है, 20 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। हाँ, तो वो शॉर्ट आउट करके उनको एक मीटिंग करके वहाँ बरवली, वन टू वन वाली, और चुनना है उनको जो या 3 महीने या 1 महीने जो भी प्रोग्राम है, और निकलेंगे तो लगातार निकलेंगे। हाँ हाँ, लगातार निकलेंगे, तो आदमी को टाइम तो निकालना पड़ेगा ना सामने वाले को, तो उसकी भी अपेक्षाएं हैं, उसके भी समय देखना पड़ेगा। तो ये एकदम अपनिंग कह सकते हैं, देखो देश हित में तो फिर भिड़ना पड़ता है, समय तो निकालना पड़ता है। देश हित में है ना, देश का तस्वीर और तकदीर ऐसे नहीं बदलती है। बोल तो अब ऐसे तो हाँ हाँ करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो एंड टाइम पे जब देखेंगे फील्ड में कितने हैं। नहीं, जो इस मनसूबे से जुड़े हुए हैं कि हमें परिवर्तन लाना है, वो फिर भिड़ के काम करेंगे। हाँ, तो वो अधिकांश लोग तो जो है ना वो वैसे ही जुड़ाव के लिए कि हम उनको जानते हैं और वो उस तरीके के लोग होते हैं, तो वो लोग जो है उनका सोच अलग होती है, उनका जो है ना यात्रा भी मतलबी वाली होती है। अब लेकिन ये है कि शिव की बारात में हर तरीके के लोग रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन तपस्वी है कौन मनस्वी है। जी जी, उसको आप जो है ना 554-55 के लिए जो है 545 के लिए आइडेंटिफाई करिए। हाँ, क्योंकि आपकी यदि बात जो है सकारात्मक संघात संवाद के बाद यदि शासन नहीं चुनेगा, तो शासन को आपको बदलना ही होगा। वो तो आप, मैंने मोटर तो बहुत अच्छा है, जो भी आपका प्यून पॉइंट है बहुत अच्छा है। अब अपन को इस अभियान को संचालन के लिए जो दिक्कतें आएंगी, एक तो मौसम का मिजाज देखना पड़ेगा, कोरोना अरे कोई मौसम का मिजाज नहीं है, जब जो है किसान लोग सर्दियों में बरसात में बैठे रहे, तो बिना त्याग के जो है कुछ नहीं मिलता है। नहीं, वो तो सही, तो त्याग करोगे तभी आप जो है ना लोगों को विश्वास दिला पाओगे। आज लोगबाग जो है इतने अच्छा, लोगबाग इतने खुद के उनकी इतनी सोच गिर गई है
और वो भाई किसी को इनकम टैक्स में रिलीफ मिल जाए, किसी को जीएसटी में रिलीफ मिल जाए, इससे ज्यादा और किसी को थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाए, वो बेनिफिट मिल जाए, किसी को फ्री भी मिल जाए, मतलब उसको इतना बेकार कर दिया है कि आदमी की जो है ना इच्छाएं जो है ना भी बहुत छोटी हो गई हैं। सही बात, बड़ी सोच और बड़ी इच्छाएं जो है वो विलुप्त हो गई हैं और उसके एहसास और जो अनुभव है वो इतने खराब हैं कि उसे लगता है कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा, ये इट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, इट कैन नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है ना। चलिए, सर फिरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सही बात है ना। आप जो है एकदम भिड़ जाइए और थोड़ा सा अपने उसको और सिस्टमेटिक करिए। आपकी भाषा अच्छी है, आपका लिखने का प्रभाव अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपका तरीका लिखने का बहुत अच्छा है, उसको और थोड़ा सा परिष्कृत करके और रिफाइन करके उसको थोड़ा सा उस पर और एनर्जी लगाइए, मेरे ख्याल से उसमें बहुत वो आएगा। अब तो ऐसा लिखना है कि कम शब्दों में हो, अधिक से अधिक हाईलाइट हो। नहीं, देखो जो पॉइंट कहे गए हैं वो 1, 2, 3, 4 उसी सीक्वेंस में आना चाहिए। जी जी, हाँ, उसी सीक्वेंस में आना चाहिए। तो क्या है कि जब वो मान लो उसने वीडियो के पहले सुना या बाद में सुना तो आपस में री इन्फोर्स करेगा वो। इट शुड नॉट लुक इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट बात लिखना है वो सेकंड पैरा में लिखो, दैट इज सब चाहिए, उसमें कुछ भी लिखो जो दिल करे तुम्हारा, ठीक है ना। जी जी जी। और थर्ड में अपील करो कि क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करो। जी जी जी, ठीक है ना। बल्कि उसमें जो है ना अपन वो भी डाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे तो अपन को कोई विश्लेषण करना है अपनी बात का, तो फर्स्ट पॉइंट पे तो मेन मुद्दा आना चाहिए उसके पॉइंट। हाँ, वो और वो उस वीडियो में जो है वो जो आप तेरा पहला है पहला, तो उसमें तो हाईलाइट वही आना चाहिए कि अपन क्या चीज बताना चाहते हैं। उसको स्लोगन आपको टॉप में समझ आ रहा तो स्लोगन लिखिए, उसके बाद वो लिखिए। हाँ, कोई अच्छी सी कविता, अच्छी सी चीज बहुत लगती है आपको जो उस अर्थ के ऊपर है, उसको भी उसमें लिख दीजिए आप। वही तो बीच में फिर अपना मैटर लिखें कि भाई, फिर सेकंड में आप लिखो, है ना। और थर्ड में पब्लिक से अपील लिखना है कि क्राइम फ्री भारत को जो ना ज्वाइन करो, अपना वीडियो बनाओ, अपना फलाना करो, ये करो, जो कुछ तुम्हारे दिल में आ रहा है, दैट इज अपील टू द पब्लिक। क्योंकि मोटिव ये है कि क्राइम फ्री भारत का सब्सक्रिप्शन को अपन ने सरकार से संवाद का अधिकार वो माना है, आधार माना है। अपन ने कहा है जब तक 1 करोड़ तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम शासन से संवाद नहीं करेंगे, हम शासन से संवाद करने के लिए अपने आप को अधिकृत ही नहीं मानेंगे। तो अब हमें जो है पब्लिक से संवाद पैदा करके ये सब्सक्रिप्शन बेस सबसे पहले 1 करोड़ के ऊपर ले जाना है। उसमें सभी प्रबुद्ध लोगों का, सभी अपने से जुड़े लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, जैसे आप लोग हैं, अब आप लोगों को अपने क्षेत्र में दौरा बनाना चाहिए, राइट। अपने मोहल्ले में लोगों को जो है ना जोड़िए, इकट्ठा करिए और अपनी बात करिए, इसके वीडियो दिखाइए, राइट। ऐसे ही जो है ना एक टीम बनाओ और हमें भेजो तो हम उनके सूची में टीम, फिर उनको अपन कोई पद भी दे देंगे, ठीक है ना। नहीं, वो तो है, वीडियो से देख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं जहाँ तक। नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे उनको वो टीम बनाओ। जैसे अज्यूम करिए कि हम पूरे देश का देशाटन की बात कर रहे हैं 13 महीने में, आप अपने मोहल्ले का ही देशाटन कर लो। हाँ, यदि मान लो अपने अपने ना साथियों में से 10 लोगों को चुना, राइट, और 10 लोग अपना जो है ना एक एक घंटे का वो कर लें कि हमें 1 घंटे जो है ना लोगों को इकट्ठा करना है, उनसे बात करना है, राइट, और वो जो बात करें उसका वीडियो बना लें, राइट। अच्छा। और वो वीडियो भी हमको भेज दें तो वो यूट्यूब चैनल चढ़ा देंगे उसको, ठीक है। क्योंकि अच्छा, जो जो लोग फिर लोगों को ये भी रहेगा ना, हमारा वीडियो भी आ रहा है, फिर वो वीडियो उसको जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर मिलेगा तो वो आपस में सर्कुलेट करेंगे कि देखिए भाई आप भी देख रहे हो, आपने भी कुछ कहा है। अच्छा, उस संवाद में जो है ना पब्लिक के व्यू को भी अपन लेने की कोशिश करें, है कि नहीं। जी जी जी, इसको जरा अपन आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। जी जी, हम ये भी सोचते हैं कि जो डेली न्यूज आती है वो सभी पेपरों की विश्लेषण जो करते हैं, कुछ जो माने खुद पेपर बोलता है चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या पिछले गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, उसको भी हम लेके कंक्लूजन में अपनी बात जोड़ दी। देखो, वो अलग करो, वो चीजों को मिक्स मत करो। अच्छा, मतलब उसको कर रहे हो तो किस चीज को आपने लिया है उसको पहले अपलोड करो और फिर उसके बारे में अपने कमेंट लिखो।
अच्छा डोंट मिक्स जो है ना चीजों को, इधर का इधर का खिचड़ी बना के अपना इंडिपेंडेंट आर्टिकल मत बनाओ। वो आप यदि मान लो किसी न्यूज आइटम के उसमें लिख रहे हो तो कौन सा न्यूज आइटम पहले उसको सबमिट करो ग्रुप में, फिर उसके ऊपर अपने कमेंट दो, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी ना। हाँ तो आपके कमेंट फिर जो है ना हम कम्युनिटी में डाल देंगे ना उसके, आपके फोटो के साथ उसके साथ में, बात समझ रहे हो ना। मैं बहुत सारी चीजें कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हैं जी जी, आपके कमेंट एडिटेज डाल देता हूँ। अभी तक तो अपन ऑडियो सुन के ही बात कर रहे हैं, यहाँ तक है जैसे अपना ड्राफ्ट है फर्स्ट पॉइंट। अरे आपका सैकड़ों हमारे जो है ना वीडियोज हैं, सैकड़ों वो हैं, बड़े बड़े विद्वानों से है, यूनिवर्सिटीज से हैं, हमने जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की उसकी वीडियोज हैं, 800 वीडियोज हैं उसमें। वो तो वीडियो ऑडियो सुनने वाली बात है, जहाँ तक जैसी रिटर्न में नहीं आ रहा कोई ऐसा जो अपने ड्राफ्ट तैयार किया है या अभी वो जो हम कह रहे हैं उसको 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 लिखो ना आप, पहले ड्राफ्ट लिखोगे तो जो है ना वो 25 पेज में है, उसको उसमें कहाँ क्यों पढ़ना उसमें। उस 25 पेज की चीज को पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के लिए कौन तैयार है आज के साल, 5 मिनट तो कोई अटेंशन नहीं देना चाहता है। जैसे मान लो अपनी 10 बातें, 10 बात में 2 तो मिस हो जाती है, उसको 2 बार सुन लो ना, 3 बार सुन लो ना, उसमें क्या दिक्कत है ना। क्यों मिस होती है कि अपन एक बार उसको जो है कुछ ऐसी बातें हैं कि कई पॉइंट अपन भूल जाते हैं। अभी तो जो है ना आप उसको वीडियो में क्या कहा गया उसको जो है ना कैप्चर करो अपना, देखो उसको उस मैंडेट उससे ज्यादा रखोगे तो फिर बहुत कंफ्यूज बने रहोगे, तो और यहाँ से उठा के वहां से उठा के फिर कुछ चीजें उसमें मत जोड़िए, उसका पहले उस वीडियो में क्या कहा गया है उसको पॉइंट को उसी क्रम में लो, और इसके बाद जो है आप अपना नेक्स्ट पैरा में विश्लेषण लिखो राइट, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो वट एवर यू फील लाइक राइट, उसमें कोई वो बंदिश नहीं है ठीक है ना। अच्छा, और तीसरे में जो ना अपील करना है कि ये क्रांति का वो है, आप भी जुड़िए और इसको जो ना आपने दिखाइए, वीडियो करिए, फलाना करिए, जो जो भी दिमाग में आ रहा था लिख डालिए ठीक है ना। और अब जो है ना जो भी अपने सभी जगहों पे लोगों को अपन लेके उनको जो है ना कहें कि जाओ भाई संगोष्ठियां करो, क्योंकि देखो सभी लोग अपने अपने लेवल पे संगोष्ठी करते रहेंगे ना तो उसका बढ़िया रहेगा, जब ये चलेगा तो इसके तो हर वीडियो तो रियल टाइम बेसिस पे रिलीज होंगे ना, तो नहीं जब 3 महीने में चलेंगे तो जो ना सैकड़ों वीडियो रोज रिलीज होंगे ना, बिल्कुल होंगे, तो वो तो जो है ना इट विल बी माइंड बॉगलिंग। वो सिराज भाई का बड़ा अच्छा सजेशन है, हाँ जी है ना, चलो बढ़िया बिल्कुल ठीक है, ओके नमस्कार।